मैं सवालों के जवाब दे रहा हूँ, बोलो डिबेट। चलने दो, 2 मिनट की डिबेट हो जाए, मैं सवालों के देख रहा हूँ। कैंडिडेट खड़ा है, सवालों के जवाब चाहे, 2 मिनट की डिबेट आपके सामने। शीशा भी नीचे बोलो, इनमें है मैं सवालों के जवाब दे रहा हूँ। मेरे सवालों का जवाब दे दो ना, मैं बहुत छोटी हाँ, इन्होंने मेरे से टिप्पणी की थी कल दी आई। चले दो, 2 मिनट की डिबेट हो जाए, मैं सवालों के देख रहा हूँ। कैंडिडेट खड़ा है, मैं सवालों के जवाब चाह रहे हैं, 2 मिनट की डिबेट आपके सामने। शीशा भी नीचे बोलो, इनमें है मैं सवालों के जवाब दे रहा हूँ। ये होता है वादा, मामला वादा, साथियों मैं डॉक्टर ऋतु सिंह, अभी मैं अरोमा के भाग में चाहती हूँ दिखा दे, और यहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी गाड़ी खड़ी, पिछले 1.5 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ। इससे पहले हम लोग प्रेस क्लब में थे जहाँ मनीष तिवारी जी ने ओपन डिबेट के लिए चैलेंज किया था, और मैं नेशनल पार्टी की कैंडिडेट ओपन डिबेट का चैलेंज एक्सेप्ट करके गई। उनसे 3 सवाल पूछे, उनके पास मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं थे, और ये आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। मनीष तिवारी संजय टंडन को चैलेंज कर रहे हैं, संजय टंडन मनीष तिवारी, यही दिखाना चाहते हैं कि जनता के पास विकल्प नहीं है, जनता के पास मात्र विकल्प कांग्रेस और भाजपा ही बची है। अभी मैं संजय टंडन जी का इंतजार नीचे कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी के प्राइवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके, प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके दखल नहीं देना चाहती कि उनका काम हो रहा है, बट मैं वेट कर रही हूँ कि ये आए मेरे सवालों के जवाब दें। मैं बस इनसे यही सवाल करना चाहती हूँ संजय टंडन जी से, कि दुनिया को मूर्ख बनाना बंद करो, खासकर चंडीगढ़ को। मैं चाहती हूँ कि आपने आने वाली 10 साल की रिपोर्ट कार्ड तो दे दी, बता दिया कि ये काम हम करेंगे, 10 मांगे गिना दी। आपने जो 10 साल आपकी सरकार सेंटर में भी थी और यहाँ पे भी थी, आपने क्या काम किया मैं वो जानना चाहती हूँ, कि आपने पिछले काम क्या किए चंडीगढ़ की जनता के लिए, चंडीगढ़ की जनता की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड करी है, जिन कॉलोनियों जिन बस्तियों में मैं जा रही हूँ आपने वहां पे क्या काम किया है, जो आज भी आप कौन सा मुंह लेकर कौन सा चेहरा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे 10 डिमांड आप बोल रहे हैं कि हमें फिर से वोट दो। ये डॉक्टर ऋतु इसलिए बता रही है क्योंकि इन लोगों ने हम पे इल्जाम लगाए, ये लोग हम पे एक महिला की इज्जत नहीं कर सकते ये लोग। अभी डॉक्टर ऋतु सिंह ने 3 दिन 4 दिन पहले लगातार इनको ओपन डिबेट का चैलेंज कर दिया, दोनों प्रत्याशियों को, बीजेपी के संजय टंडन जी को और कांग्रेस के प्रत्याशी को चैलेंज करिए कि आप बताओ। मैं वेट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बात का जवाब दे, मैं चाहती हूँ कि मेरे, ये मेरा सोशल मीडिया भी देखते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया पे बात भी रखते हैं, लेकिन मेरी किसी भी बात का सोशल मीडिया देख के इनको पता चल जाता है कि डॉक्टर इस समय घायल है, डॉक्टर के साथ ये हुआ है, सर फटा है, मनीष जी मुझसे सवाल पूछ रहे थे। मैं यहाँ पे आई हूँ सवाल जानने के लिए, मेरे सवालों के जवाब की चंडीगढ़ की जनता को। मैंने 3 सवाल किए भैया, क्यों गरीब संविधान को बचाने की बात करते हो, गरीब जनता का आरक्षण खा रहे हो, संविधान को बचाने की बात करते हो आप, और संविधान को बचाने के लिए आप ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो जो सारी संविधान के अगेंस्ट है। भैया इनका जो गठबंधन बना है उसका जवाब मुझे दे दो, और मैं तो संजय टंडन जी का इंतजार कर रही हूँ पिछले 1 घंटे से, आ जाए तो मुझे मिल जाए, मेरे सवालों के जवाब दे दे। मैंने दोनों को ओपन डिबेट का चैलेंज दिया, और मैं रिस्पेक्टफुली यहाँ पे खड़ी हूँ, अपनी जनता जो मेरे गरीब दलित समाज को आप ठग रहे हो, मुझे सवालों के जवाब दे, रेस्पेक्टफुली खड़ी हूँ, बार बार बता रही हूँ, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में ऊपर जाके किसी के काम को मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ जैसे मनीष तिवारी जी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई देन मैंने कहा कि सर आई हैव एक्सेप्टेड योर चैलेंज, आप मेरे चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया, मेरे सवालों के जवाब दे। यहाँ पे मैं इनके भी सवाल के जवाब लेने आई हूँ, मैं चाहती हूँ संजय टंडन जी मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दें कि 10 साल में इन्होंने क्या किया, 10 साल तक ठेकेदारी प्रथा कैसे लागू हुई, 10 साल तक गरीब जनता जो कॉलोनियों में बस्तियों में बस्ती है, जिनको मुर्गी खाने जैसे कमरों में जो रह रही है, उनके अधिकारों को क्यों लागू। साथियों मैं डॉक्टर ऋतु सिंह, मैं मानती हूँ गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, लेकिन हम लोग तो अम्बेडकर वादी हैं, संघर्षों के आदि हैं, हम लोगों को संघर्ष करना है, संघर्ष के लिए हम जाने जाते हैं, बिना संघर्ष के इंसान को कुछ नहीं मिलता। और बहुत लोगों के फोन कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं चोट के लिए, साथियों ये चोट बहुत छोटी सी है,
ये बहुत छोटी सी चीजें हैं उस हौसले और उस हिम्मत के आगे। न जाने कितने लोगों की रोटी से निवाला छीना है इन जालिम बेईमान सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो। आज भी गरीब गरीब है, अमीर और अमीर होता गया। इन अपराधियों के खिलाफ हमें जंग लड़नी है, अपने मान सम्मान की जंग, अपनी हिस्सेदारी की जंग। उस जंग के लिए हम सब लोगों को कल के साथ जोड़ना है। अब की बार डॉक्टर ऋतु आपके बीच में है, जो कि न हारेगी न झुकेगी, लड़ेगी अंत तक आपके हक अधिकार के लिए, ठेकेदारी के लिए लड़ेगी, आपके मकानों के अधिकार के लिए लड़ेगी, शिक्षा के लिए लड़ेगी। चंडीगढ़ की जनता जो चंडीगढ़ के अंदर जमी पली जो यहाँ पैदा हुई है, उनको उनकी नौकरी और उनको शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों में उनकी हिस्सेदारी के लिए ये बच्ची आपके लिए लड़ेगी। ये बच्ची, ये डॉक्टर ऋतु जो कच्ची मंडियां इतने सालों से उनकी मंडियां पक्की करवाएगी, ये आपसे वादा करती है। ये जो रेड़ी पटरी वाले जब बैठते हैं वहां पे और पुलिस उनको आगे उठाती है धमकाती है, उनके लिए एक अच्छी वेंडिंग जोन बनाना, रिस्पेक्टेबल उनको रोजगार देना, ये उसके लिए लड़ेगी। हर चीज में आपके आगे रहेगी, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर, चाहे वो नीड बेस्ड चेंज हो सिस्टम, हर चीज में कंधा से कंधा मिला के आपके साथ हूँ। हर घर में सरकारी नौकरी, झूठे वादे नहीं करूंगी 8,000 दूंगी, झूठे वादे नहीं करूंगी कि 1.5 लाख दूंगी, क्योंकि मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। और मैं आपको वादा देती हूँ कि 1.5 लाख नहीं पैसे, नहीं 1.5 लाख पैसे, 1.5 लाख दिन, 1.5 दिन नहीं चलेंगे, 8,008 मिनट नहीं चलेगा, लेकिन हर घर में सरकारी नौकरी मैं इंश्योर करूंगी। ठेकेदारी प्रसार को खत्म करना मैं इंश्योर करूंगी कि ये काम करके मैं आपको दूंगी। और मलोया में भी जो 800 कर्मचारी बेरोजगार हुए, विश्वास रखना नौकरी के साथ साथ न्याय भी मैं दिलवाऊंगी। और आप सबको वो जो पैसा बेईमानों ने आपका मारा है वो सलाखों के पीछे होंगे, और आपके पास नौकरी और पैसा आपका जो बनता है वो आपके पास पहुंचेगा। साथियों, मैं डॉक्टर ऋतु सिंह, आज मनीष तिवारी जी ने, जो कि लोकसभा चंडीगढ़ से लड़ रहे हैं इलेक्शन कांग्रेस पार्टी से, ओपन डिबेट का चैलेंज दिया था। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैं वहां डिबेट के लिए पहुंची। मैंने साहब से तीन सवाल किए, तीन सवाल जिनके उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। आपने, संजय टंडन जी नहीं आएंगे, संजय टंडन जी ने कभी जनता के लिए काम नहीं किया। जिसने कभी जनता के लिए काम नहीं किया, जो सड़क पे नहीं उतरे, वो जनता को और मीडिया को कैसे फेस कर लेंगे। तो मैंने काम किया इसलिए मैं आई। मैंने सवाल पहला आपसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि ये गठबंधन है कि ये ठगबंधन है, कि पंजाब में और दिल्ली में, चंडीगढ़ में, ये तीन जगह पे आप बहुत शोर जोर से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में आप एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं, चंडीगढ़ में आप एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं और आपका गठबंधन है, वहीं पंजाब में आप एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। भाई, जनता ये जानना चाहती है, रिश्ता क्या कहलाता है, ये कौन सा गठबंधन है। और आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था, आपके लोग भड़क गए। और दूसरी चीज, अभी दिल्ली में आप ही की सरकार है ना, आम आदमी पार्टी की, जिसके गठबंधन के साथ आप लड़ रहे हैं, और पंजाब में भी आपकी सरकार आम आदमी पार्टी की, तो SC/ST सप्लान वहां लागू क्यों नहीं हुआ, जिस गरीब जनता का वोट लेके जनाधार पे आप जिनके सर पे सरकार बनाते हैं, उसी जनता के लिए जो स्पेशल स्कीम संविधान ने उन्हें दी है मुहैया करवाई है SC/ST सप्लान, वो उसकी स्कीम लागू क्यों नहीं हुई, उनके बच्चों को, उन गरीब जनता को, नरेगा वर्कर्स को उसके फायदे क्यों नहीं मिलते। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक
लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576851, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर।